केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। हापुड़ में हुए लाठीचार्ज की घटना का विरोध करते हुए प्रदेश के अधिवक्ताओं की हड़ताल आज 12वें दिन भी जारी है। बार काउंसिल ऑफ यूपी के आह्वान पर राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार पर अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कचहरी में अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते वादकारियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न्याय पाने में हो रहे विलंब की शिकायत में वे किसी से कर भी नहीं पा रहे हैं। दरअसल 29 अगस्त को हापुड़ एक महिला अधिवक्ता के साथ पुलिसकर्मी द्वारा किए गए मिसबिहेव के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठी चार्ज किया था। लाठी चार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई व जिलाधिकारी व एसपी के तबादले की मांग करते हुए प्रदेश के अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के भारी दबाव के बाद बीते दिनों 151 पुलिस कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। इनमें सीओ व दरोगा समेत 53 पुलिस कर्मियों को नामजद किया गया है। बावजूद इसके अधिवक्ताओं के तेवर में कोई कमी नहीं आई है। आज शनिवार को अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इसके अलावा उन्होंने लोक अदालत का बहिष्कार करते हुए वहां भी कामकाज नहीं होने दिया। देखिए, इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस, और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वालेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है।